सोमवार को जिला उपखंड अधिकारी मोहम्मद जुनैद एवं जिला उप पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया ने बकानी क्षेत्र एवं कस्बे के हालातों का जायजा लिया। मेगा हाईवे 89 मध्य प्रदेश सड़क मार्ग पर स्थित चेक पोस्ट का निरीक्षण किया गया। स्थिति का जायजा लिया गया, जहां सोने बैठने की उचित व्यवस्था पाई गई और विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से पाई गई। जिला उपखंड अधिकारी ने कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव केस के चलते कॉमेडी सेंटर हेतु पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र एवं नवीन भवन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का जायजा लिया। बकानी कस्बे में पंचायत समिति सड़क मार्ग पर एक निजी चिकित्सालय के संचालन के चलते बंद कराया गया। बकानी कस्बा बंद पाया गया। किराना व्यापारियों की दुकानें, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी दुकान आदि खुली रही। जिलाधिकारियों के साथ ही विकास अधिकारी डॉक्टर शिव सिंह पोसवाल, पंचायत समिति बकानी, पुलिस थाना प्रभारी श्यामराय आदि सभी मौजूद रहे। R9 भारत के लिए गिरिराज रेगर की रिपोर्ट, बकानी, झालावाड़। रामनवमी के अवसर पर महाराजा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी में अवकाश रहेगा। खाद्य एवं तिलहन व्यापार संघ आर्थिक एवं प्रशासनिक सलाहकार राजकुमार पटानी ने बताया कि बुधवार को श्री राम प्रकट उत्सव श्री राम नवमी के चलते मंडी में पूर्णतः अवकाश रहेगा। इस दौरान मंडी में किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय नहीं होगा। साथ ही झालरा पाटन मंडी के सर्वोच्च सम्मान मंडी रत्न से सम्मानित व्यापार संघ के मीडिया प्रभारी हरि राठौर का जन्म उत्सव सादगी से मनाया जाएगा। मंडी व्यापारी संगठन के अध्यक्ष विकास चांदवार, उपाध्यक्ष महेश मेड़तवाल ने बताया कि इस दिन मंडी के 60 गरीब निसहाय लोगों को आर्थिक पैकेज के रूप में चावल, दाल, गेहूं देकर सादगीपूर्ण जन्मदिवस मनाया जाएगा। हरि राठौर को यह सम्मान उत्कृष्ट कार्यों व मंडी व्यापार संघ के प्रति उनकी निस्वार्थ निष्ठा भाव को देखते हुए किया जा रहा है। R9 भारत के लिए अजय भारत की रिपोर्ट, छलपाटन। संकल्प हरियाली समिति के संयोजक एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति के डायरेक्टर नीरज सैन ने अपना जन्मदिन गौ सेवा करके मनाया। नीरज सैन ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर मंगलवार को अपने परिवार जन एवं संकल्प हरियाली के सदस्यों के साथ हरी सब्जी की गाड़ी लेकर बटनगर एवं प्रागपुर गौशाला पहुंचे, गौ सेवा की। नीरज सैन ने बताया कि ऐसे मांगलिक अवसरों पर फिजूल खर्च को रोक कर पशु पक्षियों की सेवा जैसा परम धर्म कोई भी नहीं है, इसको करना चाहिए। जन्मदिवस के अवसर पर नीरज सैन ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश को निजात दिलाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि लोगों से को सरकारी गाइडलाइन का पालन करके मास्क पहनने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़, डॉक्टर अशोक जाट, प्रकाश अग्रवाल आदि सभी मौजूद रहे। R9 भारत के लिए सुशील कुमार बंसल की रिपोर्ट, पापटा, जयपुर। छाबड़ा कस्बे में प्रवेश को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक मदन दिलावर की पुलिस से बॉर्डर पर तीखी नोकझोंक हो गई। यहां धक्का मुक्की में प्रदेश भाजपा के महामंत्री दिलावर का कुर्ता भी फट गया। जानकारी में सामने आया है कि रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर भाजपा के हेमराज मीणा पूर्व विधायक और आनंद गर्ग पूर्व जिलाध्यक्ष के साथ छाबड़ा के हालात का जायजा लेने बारा से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुए, जिसका प्रशासन को सूचना लगने के कारण कवाई थाने में काफिले को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। लेकिन इन बैरिकेड्स को हटाकर काफिला छाबड़ा की ओर बढ़ गया, लेकिन छाबड़ा की सीमा पर ही पुलिस अधीक्षक और एसटीएफ और सुरक्षा कर्मियों ने काफिले को रोक दिया, जहां भाजपा नेताओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की और कहासुनी हो गई। यहां प्रशासन, पुलिस और कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ इन नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और सड़क पर धरना दिया। दो घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद तीनों नेताओं को कड़ी सुरक्षा के बीच छाबड़ा थाना लाया गया और पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात करवाई, जहां हालांकि भाजपा की गुटबाजी भी साफ नजर आई। प्रदेश स्तर पर इन नेताओं ने इन भाजपा के स्थानीय नेताओं का समर्थन भी नहीं मिल पाया और यहां सिर्फ ब्रजभूषण शर्मा, एडवोकेट अशोक गोड़, देहात अध्यक्ष एवं पूर्व छात्र नेता रहे नाथूलाल शर्मा ही पहुंच पाए। नेताओं ने प्रशासन को 5 दिन में आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अल्टीमेटम दिया है। गौरतलब हो कि 11 अप्रैल को छाबड़ा में दबंगइयों ने दुकान जला दी थी, जिससे करोड़ों का नुकसान व्यापारियों का हुआ था। करीब 8 दिन के कर्फ्यू के बाद कस्बा कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया की पहल के बाद सामाजिक सौहार्द बैठक के चलते हुए निर्णय के बाद सोमवार को खुला था, लेकिन पुनः यह राजनीति कारण प्रारंभ हो गई। राजस्थान सरकार के मंत्री हाँ, गुंडा कह रहे हो आप? हाँ, गुंडा कह रहा हूँ, गुंडा है, चोर है, भ्रष्ट है, जो भी होगा भ्रष्ट है, सर से नहीं कह सकता। मैं कैसा कहूँगा? मैं कहूँगा चोर को चोर कहूँगा, चोर को चोर कहूँगा। इस विषय पे फालतू आप मेरा निवेदन सुनो, आप हमने क्यों नहीं जाने? हम वहाँ जाके केवल जाके आना चाहते हैं। नहीं, हम सब मेरा निवेदन व्यक्ति को अलाउ नहीं किया है। नहीं, अभी सब लोग प्रमोद जी भाई क्यों गया?
हमारे पार्टी ने भेजा हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी के और भी पहले डेलीगेशन आए थे, सब आए थे, सबको है ना, हमने किसी को भी अंदर अलाउ नहीं किया। दादागिरी आपकी दबाओ कानून कौन सा दादागिरी मत करो, कौन सा कानून है ज्ञापन देना है निजामुद्दीन अभी प्रशासन के साथ मीटिंग में बैठता है। निजामुद्दीन के घर से लोग निकले उसके साथ मीटिंग करते हैं, इसका मतलब क्या कहें, वहाँ का स्थान है प्रशासन, उससे मिला हुआ नहीं मिला गुंडा से, आदि नहीं करने वाला रोजाना कह रहे हैं वो अरेस्ट फरार है, हमें ये बताया गया है कि साहब अतीक भारती फरार है, जबकि वो फरार कहाँ है, वो तो मीटिंग में बैठे हुए हैं साहब, आप तो मिले हुए बैठे सारी बात है अंदर जेल में। मंत्री के साथ कुलदीप की रिपोर्ट छबड़ा।